अब अंत में बात महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले एक हफ्ते से चल रही उठापटक आज भी जारी रही। दिनभर गुवाहाटी, मुंबई और दिल्ली से खबरें आती रहीं। करीब एक हफ्ते से चल रहे इस पूरे घटनाक्रम के बीच आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पिछले कुछ दिनों में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी मांग ली। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक बुला ली। इन सब के बीच विधायकों के साथ गुवाहाटी में डेरा डाले बैठे एकनाथ शिंदे ने होटल के बाहर मीडिया से बात की तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस हाईकमान से मिलने दिल्ली पहुंच गए। क्या कुछ हुआ आज महाराष्ट्र की राजनीति में विस्तार से समझते हैं। शुरुआत गुवाहाटी के होटल एडिसन ब्लू से। एक हफ्ते से जारी पॉलिटिकल ड्रामा के बीच एकनाथ शिंदे आज होटल से बाहर निकले। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम शिवसेना में ही हैं और अलग पार्टी नहीं बनाने जा रहे। सुनिए, हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है वो आपको पूरी जानकारी इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसका उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि असली शिवसेना एक ही है, दूसरी अगर कोई है तो वो भारतीय सेना है, वो देश की रक्षा करते हैं और हम महाराष्ट्र की। सुनिए, बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना केली तेव्हापासून आतापर्यंत 260 वेगळ्या वेगळ्या सेना निर्माण झाल्या, राहिल्या दोनच सेना, एक शिवसेना आणि एक भारतीय सेना। एक शिवसेना आणि दुसरी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, या दोनच सेना राहिल्या आहेत आणि या दोन्ही सेना एकच काम करतायत, देशाचं रक्षण करण्याचं, हिंदुत्वाचं रक्षण करण्याचं, महाराष्ट्राचं रक्षण करण्याचं। संजय राऊत का ये बयान अलिबाग की एक जनसभा से आया। राउत को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वे नहीं गए। इसके बाद ईडी की ओर से उन्हें दोबारा समन भेजा गया और 1 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज 2:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई जिसे बाद में आगे बढ़ाकर शाम 5 बजे कर दिया गया। इस बैठक से पहले उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बागी विधायकों से भावुक अपील की। ठाकरे ने कहा, परिवार के मुखिया होने के नाते मुझे आपकी चिंता है। आप लोगों को कुछ दिनों से कैद करके गुवाहाटी में रखा गया है। आप लोगों के बारे में रोज मेरे सामने नई जानकारी आती है। आप में से कई मेरे संपर्क में हैं। आप लोग दिल से अभी भी शिवसेना के साथ हैं। मैं यही कह सकता हूं कि अभी बहुत देर नहीं हुई है, आप लोग मुंबई आकर मेरे साथ बैठें और शंकाओं को दूर करें, हम एक साथ जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठाकरे ने बागी विधायकों से ये भी कहा कि शिवसेना में आपको जो आदर सम्मान मिला है वो कहीं और नहीं मिलेगा। इसके बाद शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। कैबिनेट की बैठक में उद्धव ठाकरे ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। बैठक में मौजूद सहयोगी दलों, कांग्रेस और एनसीपी नेताओं ने उद्धव के फैसले का समर्थन किया। कैबिनेट मीटिंग से पहले उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी फोन पर बात की थी। कहा जा रहा है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने की बजाय संघर्ष करने की सलाह दी थी। कैबिनेट मीटिंग के बाद महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि कैबिनेट में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, किसानों के मुद्दों पर चर्चा हुई, कल फिर से कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। सुनिए, कैबिनेट में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। कैबिनेट में सिर्फ जो एजेंडा पे जो आइटम थे उतने मंजूर हो गए और उतनी चर्चा हो गई और कुछ इश्यूज बाकी है उसके बारे में शायद कल फिर से कैबिनेट हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कई बातचीत केली नाही, इसके याच्या बाबतीत मी सांगू शकत नाही। याच्या बाबतीत आमच्या पक्षाचे जे वरिष्ठ नेते आहेत ते वरिष्ठ नेते याबाबतचा निर्णय घेतील आणि आपल्याला सांगतील। कल भी कैबिनेट की बैठक बुलाई है? हाँ, शायद हो सकती है। सर, एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है कि अगर वो आते समय उनके पास अगर आंकड़े ना हो तो वो बीजेपी के साथ में अलायंस करके गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर सकते हैं, उस पे आपका क्या कहना है? फ्लोर टेस्ट के ऊपर मुझे कोई नहीं कह, कुछ नहीं कहना। कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के बाकी बचे विधायकों के साथ भी बैठक की। कैबिनेट मीटिंग के बाद अब राजभवन की ओर चलते हैं।
अस्पताल से वापस लौटते ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार से पिछले 3 दिन की फाइलों का हिसाब किताब मांग लिया। राजभवन सचिवालय की ओर से जारी आदेश में उन प्रस्तावों के बारे में जानकारी मांगी गई है जिन्हें 22, 23 और 24 जून को मंजूरी दी गई। राजभवन के इस आदेश को गुवाहाटी के होटल में बैठे विधायकों की शिकायत से जोड़कर देखा जा रहा है। शिंदे गुट के बागी विधायकों ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक संकट के बीच उद्धव सरकार की ओर से अंधाधुंध फाइलें और सरकारी संकल्प यानी शासन आदेश पास किए जा रहे हैं। इससे पहले विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल को लिखित शिकायत देकर कहा था कि राजनीतिक अनिश्चितता के बीच कई फैसले लिए जा रहे हैं जिनका संज्ञान लिया जाना चाहिए। मुंबई और गुवाहाटी में चल रही बैठकों से इतर दिल्ली में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिल्ली में बैठक की। माने खेल अभी लंबा चलेगा, जो होगा आपको बताते रहेंगे।